मित्रों, कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार अपना आधार खोती जा रही है देश के भीतर, उसने अपने बचाने के अभियान के तहत कुछ लोगों को फिरौती में जोड़ा है और उसी का एक हिस्सा आए दिन एक नए सीरियल के रूप में आ पड़ता है। और वो हिस्सा आज भी जो केजरीवाल नाम का नाटक चल रहा है उसी सीरियल का ये हिस्सा है, जो कि लगातार ये बताने से इनकार कर देते हैं कि 10 जनपद के साथ इनकी क्या डील है। और 10 जनपद की जो डील है वो सामने आती है कि केजी बेसिन को लेकर अगर किसी ने इस मामले को उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, श्री यशवंत सिन्हा ने उठाया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उठाया और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस प्राइसिंग को लेकर कि कितना दाम होना चाहिए कितना दाम नहीं होना चाहिए, वो मामला आज कोर्ट में पेंडिंग है। केजरीवाल जी की आदत है कि सेव कांग्रेस अभियान, और इसको मैं आज कांग्रेस सुरक्षा दल के नाम से पुकारना चाहती हूँ कि इसका मकसद कुछ और नहीं है सिवाय 10 जनपद को बचाने के। और उसी के तहत चाहे वो केजी बेसिन का मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो, लगातार उनसे कांग्रेस पार्टी को कैसे बचाना है इसी अभियान में श्रीमान केजरीवाल लगे हुए हैं। और इसकी आप नियत देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने मामले उठाए तो इन्होंने हर मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दिया। 20 तारीख को जिस दिन सुनंदा थरूर जी के मृत्यु का रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है, उस दिन पहला धरना हो जाता है। दूसरी बार जब तेलंगाना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में आपसी मतभेद दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो दूसरा धरना हो जाता है। अगस्ता वेस्टलैंड डील की जिस दिन चिट्ठी आती है तो अरुण जेटली जी के घर के बाहर धरना हो जाता है। लगातार ये इस तरीके की हरकतें करते रहे हैं और सिर्फ ये एक तरफा हरकत नहीं है, दूसरी तरफ से भी वैसी ही मदद मिलती है कि जब इनका पहला महीना पूरा होता है और रिपोर्ट कार्ड पढ़ने की बारी आती है तो उस दौरान जब ये अपना पढ़ डालते हैं और प्रेस से प्रश्न का समय आता है कि प्रेस अब इनसे प्रश्न करेगी उन विषयों पर, तो उस दिन उस समय पर कांग्रेस का MLA खड़ा होकर बाटला हाउस चिल्लाकर उस प्रेस को तहस नहस कर देते हैं। और उसी सिलसिलेवार सिलसिले के अंदर एक पुरानी घटना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो केसेस हैं और जो लॉ है उसके मुताबिक इनका जो सिंबल है झाड़ू वो रिजर्व सिंबल नहीं हो सकता था पहले चुनाव में, वो 10% वोट और 10% लोगों के साथ जब तक वापस नहीं आते तब तक उसको आप रिजर्व सिंबल किसी पार्टी को नहीं दे सकते। और ऐसा पूर्व में जब उमा भारती जी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और उगते सूरज का निशान मांगा था तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बार चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनका जो सिंबल है उसको रिजर्व कर दिया गया। तो ये जो साठ गांठ चल रही है 10 जनपद बचाओ अभियान, उसमें केजरीवाल जी पहले स्पष्ट करें कि तमाम लोग, जैसे कि इनकी अपनी बहन NSE में बैठी है नीता केजरीवाल से इनका क्या रिश्ता है ये बता दें कि 10 जनपद से इन्होंने क्या चिट्ठियां लिखवाई थी जब ये नौकरी में थे, ये बता दें कि जो मनीष सिसोदिया और ये खुद केजरीवाल जी हैं ये दोनों अरुणा रॉय के साथ काम करते थे, और योगेंद्र यादव न केवल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेम्बर थे बल्कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि राहुल गांधी के भी एडवाइज़र थे। तो जो लेन देन इनका आपस में है और जिस तरीके से भ्रष्ट रूप से फोर्ड फाउंडेशन और तमाम पैसा इस देश में आ रहा है, तो इनकी क्या डील हुई है ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि फोर्ड फाउंडेशन का जो मामला है उसको कांग्रेस की सरकार दबा के रखेगी और कोर्ट में अपने आप को भी बचा के रखेगी कि वो सारे कागजात इन्होंने अब तक उपलब्ध नहीं कराए हैं, और ये कॉमनवेल्थ घोटाले के ऊपर शुंगलू कमेटी को दबा के रखेंगे, उस पर कोई काम नहीं करेंगे, और ऐसी तमाम डीलें जो हैं उसका स्पष्टीकरण अरविंद केजरीवाल जी दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं
जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागे एक मुख्यमंत्री के रूप में, तमाम जगह पर जो कुछ झूठे इन्होंने झूठ की खेती की है इन्होंने, वो भी सबके सामने है। और ये जो सीरियल चल रहा है सेव द कांग्रेस, उसका रोज़ एक नया एपिसोड केजरीवाल जी प्रस्तुत कर देते हैं और तमाम मीडिया का जो ध्यान है उसी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये कांग्रेस बचाओ अभियान में इनकी और क्या क्या आने वाले सीरियल हैं, ज़रा उसकी पृष्ठभूमि बता दें। डियर फ्रेंड्स, मिस्टर केजरीवाल हैज कम अक्रॉस एज समबडी हु इज नॉट विलिंग टू स्टैंड बाय हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 10 जनपद एंड मिस्टर केजरीवाल। The understanding is so evident that every time he will spit and run away, that is the kind of politics he is playing. And as a new episode of the same serial keeps unraveling itself day in and day out, one will find that on 20th, when the post-mortem report of late Sunanda Pushkar Tharoor came in and the death was due to poisoning, it would have been an embarrassing day for the Congress party when people would have questioned as to how the death happened. The first dharna happened that day. Second time, when on the issue of Telangana, there was a difference of opinion between the Congress party and also the state government and the central government, that would have been an embarrassing day. And we see the second dharna. When Augusta Westland letter was brought out and indicating that some people close to Madam Gandhi are involved in those deals, that was the day on which they had a dharna outside Mr. Jaitley's residence. It is very evident, very clear that they are doing everything to save the Congress party. A Congress party which is losing its ground, has lost its ground and cannot secure itself. The only way is to breach the vote share, and after breaching the vote share, see to it that somehow the BJP should not be forming the government. Very evidently, there is a lady called Ms. Neeta Kejriwal who has been assigned from CSS the task of joining the National Advisory Council. And the letter seemed to be written by Mr. Jairam Ramesh. I think Mr. Kejriwal should explain who this lady is and what is his relationship, if at all, with this lady. The second thing is, in the past also, he's had Madam Gandhi write letters in his favor that he should not be transferred out. I think the copy of that letter also should be made available not only to the BJP but to the entire country. We have seen that couple of occasions whenever Congress was in difficulty, Mr. Kejriwal has helped the Congress party. On 20th, when the death certificate of Mrs. Sunanda Pushkar Tharoor came in and death happened due to poisoning, that was the day of the dharna. Second time, when Telangana issue, the state had a different opinion than the central government, that was the day of the second dharna. The third occasion was when Augusta Westland letter came out, and according to that letter, there were people close to Madam Gandhi who were found involved in that deal, and that letter was released by the Italian press. That was the day on which they had the third dharna outside Mr. Jaitley's residence. And it's not as if they are the ones who are supporting the Congress party and protecting the Congress party, but it is the Congress party also which is supporting them. And we can see, and I will take you back to few years ago when Miss Uma Bharti had launched her own party and she asked for a reservation of symbol, and that was a rising sun, which was not granted to her because as per the Representation of People's Act, you could not get this symbol, because any new party has to come to par on open symbols, on unreserved symbols, and only after getting 10% and more vote share can their symbol be reserved. But by virtue of a notification, their symbol was reserved,
after the issuance of a notification and indication of election, very close to the election dates, the symbol got reserved. And second time, when the report card day came, that 1 month of their completion of government in Delhi, and media was to ask questions. On that day, after finishing his statement before the press, before taking the questions from the press, an MLA from the Congress party got up, raked up the Bhatla House issue and spoiled the entire press conference. So repeatedly, each one of them is helping each other, and the idea is only and only to cause breach in the BJP vote share. नहीं नहीं बीजेपी ये तो 100% आम आदमी पार्टी वालों की जो चाहने वाले हैं उन्होंने करवाया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और बल्कि वहाँ पे ये भी चला है कि ये लोग हैं जो असली हमारे तरीके का भारत में राज ला सकेंगे इस तरीके की। और उसी तरीके से ऑयल प्राइसिंग को लेकर भी बहुत गहराई में मुद्दे हैं। ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, दिस मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर रिगार्डिंग गैस प्राइसिंग। भारतीय जनता पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी, एंड मिस्टर यशवंत सिन्हा एंड मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैव रिपीटेडली रेज दिस इशू ऑफ गैस प्राइस, एंड दैट मैटर इज सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर एंड इट्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। Whatever will be the court decision, anybody and everybody will have to be bound by that decision. But there seems to be an international conspiracy also regarding gas pricing, because we are importing gas from Australia, which is about $18. There are various companies, international companies, Exxon, Shell, etc., who have found new gas reserves in Qatar, and somebody who has formerly worked with Qatar Times is today member of Aam Aadmi Party. And I think Mr. Kejriwal will do well to answer those questions. आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि 400 करोड़ रुपए का बीजेपी कैंपेन चला रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है, और 400 करोड़ अगर इस पे कैंपेन पे खर्च हो रहा है तो ओवरऑल चुनाव पर कितना पैसा खर्च करेंगे? देखिए, मैं इस पर इनको जवाब ये देना चाहती हूँ कि 6 करोड़ तो इनका खाली रेडियो पे खर्च हुआ था पिछले दिल्ली के चुनाव में, और इनका अपना कहना है कि इन्होंने 19 करोड़ दिल्ली के चुनाव में खर्चा, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। अगर आप 7 लोकसभा सीट को 19 करोड़ से विभाजित करेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास प्रति सीट पड़ता है, और 400 करोड़ को आप पूरे देश की लोकसभा की सीट से विभाजित करेंगे तो तकरीबन 74 लाख रुपया प्रति सीट पड़ता है, तो कहीं आपसे कम खर्चा है? आप पहले अपना हिसाब दें, और आप हिसाब दें कि आपको 400 करोड़ रुपया से अधिक जो फोर्ड फाउंडेशन और तमाम जगहों से आया है वो किस लिए आया है, और कौन कौन सी विदेशी ताकतें आपके साथ हैं, उसका जवाब भारत की जनता जानना चाहती है।